सलाम दोस्तों, आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज कैन स्टेशन से 80 माहगीर ईडी सेंटर की निगरानी में भेजे जा रहे हैं, क्योंकि सारा अखराजात ईडी सेंटर उठाता है इसका। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तकरीबन 11 से 13 मुस्लिम हैं और बाकी सारे जो हैं इंडियंस हैं, और ये मुस्लिम भी इंडियंस हैं। और ताहल पाकिस्तान की जानिब से जज्बा सैर खैर सगाली के तौर पर इनको अपने वतन भेजा जा रहा है। तो चलिए हम किसी से बात करते हैं, उनको कैसा लगा और वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रिहायशी हैं, इंडिया में कहाँ के रिहायशी हैं। क्या नाम है? ईसा। ईसा। ईसा और मूसा? हाँ, बाप का नाम मूसा। बाप का नाम मूसा था। तो यहाँ पर मलिर जेल में कब थे और किस तरह से पकड़ा गया तुम्हें? ओ, समंदर में नेवी पकड़ा था। नेवी ने पकड़ा था। हाँ। तो तुम्हारी लांच में कितने लोग थे? आठ। आठ लोग थे। हाँ। आठों मुसलमान थे? आठ मुसलमान। आठ के आठ मुसलमान। आठ आठ। आज जो तुम्हारे साथ थे उनको छोड़ा गया या अभी वो कैद में ही है? ये साथ में। ये साथ में। सब ये साथ में। और वहाँ इंडिया में कहाँ के रहने वाले? गुजरात के। गुजरात। गुजरात के। हाँ। कितने बच्चे हैं वहाँ पे? मेरे दो बच्चे हैं। दो बच्चा है। दो बच्चे बड़े बड़े जी। तो भारत में रहते हुए ये नहीं लगता कि मैं मुस्लिम हूँ, पाकिस्तान में होता या वहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, परेशानी कुछ नहीं है। वहाँ कोऑपरेट करते हैं? नहीं नहीं, कुछ परेशानी नहीं है। तो हम तो देखते हैं टीवी में कि बड़े जुल्म खत्म हो रहे हैं मुसलमानों पे वहाँ पर, ऐसा? नहीं नहीं, वो तो कोई छोटा इलाका, वो इंडिया की बात करते हैं, वो तो छोटा इलाके में कोई मुसलमान मार खा जाए ज्यादा गणपति वाले होते फिर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वही बात है। और अभी यहाँ मलिर जेल में किस तरह रहे हो? बस सही, हंस हंस के गुजारा। हंस हंस के गुजारा। हाँ, 36 महीना हंस हंस के गुजारा। तो तुम्हें यहाँ पाकिस्तानी तराना पता है या तुम्हें सिर्फ इंडिया का तराना आता है? हाँ, दो पाकिस्तान का सब भाई आया है। अच्छा अच्छा, ये देश का है ना, राष्ट्र में वो बात नहीं आती, सिंधी बात नहीं आती, बलोच नहीं आती। तो तुम तराना कौन सा पढ़ते हो यहाँ पे, इंडिया वाला या पाकिस्तान वाला? इंडिया वाला। इंडिया वाला। थोड़ा सा मुझे सुना दोगे? क्या सुनने का है? तराना। तराना। जनगणमन। मुसलमान हो वहाँ इंडिया में रहते हो तो हाँ। कौमी तराना कौन सा गाते हो? कौमी तरा ओ कोई क्या भाई, से समझाओ कौमी तराना। कौमी तराना राष्ट्र गान जे पाऊं गाता है इंडिया जो ही जाए तो जनगण मन में गाए था। ये भारत। भारत। भारत का गाते हो? कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। नाम क्या है आपका? उमर। उमर। उमर, मुझे बताएं कि आप यहाँ पर कब से कैद थे? मैं 2020 से हूँ यहाँ। 2020 से? हमको 3 साल हो गए। तो आप उस कश्ती में तो नहीं थे जिसके अंदर दूसरे लोग भी थे, जिसमें मूसा था? हाँ, वो मेरे आदमी है मूसा। मूसा आपका आदमी? हाँ। तो क्या हुआ, क्या हुआ कि आप लोग भटक गए इस तरह से? देखो, जो हम मछुआरे हैं सही है, वो कोई बॉर्डर के वहाँ कोई लकीर तो लगी हुई होती नहीं है सही। हम समंदर में जाल नेट डालते हैं अपना, वो अपने हिसाब से कश्ती चलती है, कभी आगे पीछे हो जाते हैं सही है। तो वहाँ से हमको पाकिस्तान की कोस्टगार्ड ने अरेस्ट किया, तभी वो बोला कि आप उन हमारे पानी में थे, फिर भी उन लोगों ने हमारे डॉक्यूमेंट बोला चेक करेंगे और आपको छोड़ देंगे, और हम लोग इधर लेके आए। इधर लेके आ गए? तो शुरू से बस वहीं पैदा हुए हुए इंडिया में? हाँ। इंडिया से कहाँ के रहने वाले हो? गुजरात। गुजरात से। गुजरात से। तो वहाँ तो ये कौमी तराना नहीं होता होगा हमारे पाकिस्तान का, या किसी स्कूलों में ऐसा चलता है? नहीं, कौमी तराना तो सिर्फ जो हर देश का खुद का होता है वही तराना चलता है ना, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हम हिंदुस्तान का तराना गाएगा, पाकिस्तानी हो पाकिस्तान की तराना। अच्छा, पाकिस्तान का कौमी तराना जानते हो? नहीं। कभी सुना है? वहाँ पर शादी वादी हुई है? बच्चे अच्छे हैं? दो बच्चे। तो बात होती थी घर वालों से? 3 साल में ना कोई रब्ता है, ना चिट्ठी है, ना कोई खत, ना पैगाम, कुछ नहीं। अभी जाएंगे तब पता चलेगा घर का क्या हाल है। अच्छा। तो अम्मी वगैरह हैं सब वहाँ पर? हाँ। तो अब जाके सरप्राइज देने वाले हो यानी? नहीं, इन लोगों को इंशाल्लाह पता चल जाता है, जब चल जाता है जाके वहाँ हमारी हुकूमत पावरफुल है तो वहाँ से वो लोग बोल देंगे कि भाई आपके घर वाले आने वाले हैं तो आप उसको रिसीव करने आ जाओ, वो आएंगे हमें रिसीव करने। तो वहाँ तो कोई रहने में परेशानी मुस्लिम होने के लाते? इंशाल्लाह माशाल्लाह, हम फख्र से कहते हैं हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, अच्छी सी हिंदुस्तान, कोई मसला नहीं है, सब एक साथ मिल के रहते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। नहीं, मैं बोल नहीं सकता, जितना मर्जी है। अच्छा, बीमार है आप? हाँ। अच्छा, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। हाँ जी, सेहत कामिल आता।
चले भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पहले बढ़ाने मिले।